तो आज मम्मा और दादी जा रहे हैं भागवत में, मैं गया हुआ हूँ स्कूल और दादी आ चुकी है अपना थैला लेके, तो चलते हैं अब हम भागवत में। जब तक समय बीत जाता है फिर बाद में समझ आता है हमें कि हमने जीवन में बहुत बड़ी गलती कर दी। तब तक समय बीत जाता है, अन्य है तो परीक्षित इन्हीं 7 दिनों में अपनी मुक्ति कर गए, पर हम ये जानते हुए भी कि जाना निश्चित है फिर भी अपनी मुक्ति नहीं कर सकते, क्योंकि हम बहुत सारे ऐसे बंधनों में फंसे हैं कि उनको छोड़ पाना मुश्किल हो जाता है। पर परीक्षित से दोष क्या हुआ था, तो सब संत आए पधारे, परीक्षित को कहे महाराज बड़ा दुख लगा ये सुन करके, आपको श्राप लग गया। परीक्षित कहने लगे हे महात्माओं मुझे श्राप नहीं लगा है, उन ऋषि ने बड़ी कृपा की, अगर ऐसी कृपा ना की होती तो आप संतों के दर्शन नहीं। जिस बड़े बड़े महलों को कोई छोड़ नहीं सकता वो मैंने क्षण मात्र में छोड़ दिया। आता हाँ। भगवान कृष्ण पर कलंक लगे हैं तो हम कैसे सुखी रह सकते, जब जिसकी सत्ता को बनाने वाला ही दुखी रहा। हरिबांके बिहारी सबसे ज्यादा सेकेंड डे भागवत का, तो हम सब हो चुके हैं रेडी, तो हम जाने वाले हैं, 10 मिनट में बस निकल जाएंगे। मम्मी भी रेडी हो रही है, तो हमें भागवत में जाके बहुत अच्छा लगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करिए। बाय बाय गाइस, हम अपना नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी लेके आएंगे। बाय गाइस। जिनके यहाँ दूध दही माखन की नदियां बह रही, ऐसे हमारी नंद बाबा हमेशा मैला स्वभाव रखा, कोई भी इनके द्वार पर आया खाली नहीं गया, भर भर के सबको भेजा। इन्हें दाता भी कहते हैं। जीवन में कभी किसी से बैर नहीं किया, द्वेष रंग करा रंग भयो एक दिया नाना।
मेरी एक और प्रार्थना है, आरती के बाद सब लाइन लगा के भाई, कल कुछ माताओं को बड़ी भयंकर चोट लगी, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें, कोई हबड़ा दबड़ी ना मचाए, सबको प्रसाद मिलेगा आराम से सब आरती के। बोली बांके बिहारी लाल की जय, पापियों को पाप से है पापियों को पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ऐसा लगेगा ना तो भगदड़ मच जाएगी।